दोस्तों नमस्कार, आप सभी का चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम रिंकू मौर्या है। म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते समय, उसमें पैसे इन्वेस्ट करते समय यदि शुरू में हमने सावधानियाँ नहीं बरती तो फ्यूचर में हमारे रिटर्न्स जो होंगे बहुत अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल फंड की काफ़ी सारी कैटेगरी है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, ठीक है। अब इसमें कैटेगरी में जब हम घुसते हैं तो उसी कैटेगरी के हम 4 से 5 फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं, जिससे कि हमें कोई विशेष फायदा देखने को नहीं मिलता है। अब यदि हम बात करें दोस्तों, तो पूरे इंडिया में जो है ना, जो स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे NSE हो चाहे BSE हो, इस पे टोटल जो स्टॉक लिस्टेड है वो 5,000 से भी ज़्यादा स्टॉक लिस्टेड है। तो क्या हम 5,000 कंपनीज में पैसे को इन्वेस्ट करेंगे? दोस्तों यहाँ पे 5,000 में से सिर्फ 500 स्टॉक्स, जो क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं, उनको साइड में रख दिया गया है। और म्यूचुअल फंड में जितनी भी कंपनियाँ हैं वो इन्हीं 500 कंपनीज के स्टॉक्स में ही पैसे को इन्वेस्ट करती हैं, अलग अलग कैटेगरीज के फंड को निकालती हैं, ठीक है, और अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करती हैं। अब इन 500 स्टॉक्स जो क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं, इसको भी 3 पार्ट में बांट दिया गया है। जैसे कि टॉप 100 जो कंपनीज के स्टॉक्स हैं उसको लार्ज कैप कैटेगरी में रख दिया गया है। लार्ज कैप का मतलब हो गया कि ऐसी कंपनियां जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, मार्केट में जब गिरावट आती हो या फिर तेजी आती हो तो ऐसी कंपनियों में वॉलेटिलिटी बहुत कम देखने को मिलती है, मतलब उतार चढ़ाव बहुत कम देखने को मिलते हैं और इसमें रिस्क भी कम होता है लार्ज कैप फंड की बात करें तो। तो दोस्तों टॉप 100 को लार्ज कैप में रखा गया। दोस्तों 101 से लेकर 250 तक के बीच की जो कंपनीज है उसको मिड कैप कैटेगरी में रखा गया है, और इसके बाद 250 के ऊपर की जितनी कंपनियां, यानी कि 500 तक की जो कंपनियां हैं, उसको स्मॉल कैप कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो लार्ज कैप फंड है, ठीक है, तो यहाँ पे टॉप 100 कंपनीज में ही पैसे को उसको इन्वेस्ट करना है, यही क्योंकि 100 कंपनी का यूनिवर्स है। तो फंड मैनेजर क्या करता है, इसी के अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करता है। तो यदि आप लार्ज कैप में घुसते हैं दोस्तों, तो आपको अलग अलग नाम से ये लार्ज कैप फंड दिखते हैं। ऐसे में इन्वेस्टर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये लार्ज कैप है या क्या है। तो आज दोस्तों आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे 4 कैटेगरी के फंड है। जैसे फ्लेक्सी कैप फंड को यदि आप बाई करते हैं तो इसमें आपको लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों यदि आप ब्लू चिप फंड में या फिर लार्ज कैप फंड में पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो यहां भी लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में ज्यादा परसेंटेज इन्वेस्ट होते हुए आपको दिखता है। इंडेक्स फंड निफ्टी 50। अब दोस्तों ये जो दोनों फंड है ये एक एक्टिवली मैनेज फंड है, मतलब यदि आपको लार्ज कैप में 100 कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना है, उसका आपको एक्सपोजर लेना है, तो इसके लिए इंडेक्स फंड बनाया गया। तो इंडेक्स फंड भी जो निफ्टी 50 के होते हैं दोस्तों, इसमें भी मैक्सिमम जो पैसा होता है वो लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में ही इन्वेस्टेड होता है। इसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, तो 50 कंपनी के लिए तो निफ्टी 50 बन चुका है, और उसके बाद अगली जो 50 कंपनियां जो लार्ज कैप कैटेगरी की है उसके लिए निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड बना दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि क्या हमें अपने पोर्टफोलियो में जब भी हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, चाहे लार्ज कैप कैटेगरी के फंड में हम जा रहे हैं, तो क्या हमें फ्लेक्सी कैप भी रखना चाहिए, ब्लू चिप भी रखना चाहिए, इंडेक्स फंड निफ्टी 50 का रखना चाहिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को रखना चाहिए? डोंट पुट ऑल फंड्स इन पोर्टफोलियो। दोस्तों आपको ये चारों फंड क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना है। दोस्तों यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड की यदि हम बात करें तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो फ्लेक्सी कैप में काफी सारे फंड आ जाते हैं। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, कोटेक फ्लेक्सी कैप, UTI फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप, जितने भी फ्लेक्सी कैप का आप नाम देख रहे हैं, यदि आप इनकी होल्डिंग को चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप HDFC फ्लेक्सी कैप को आप ओपन कर लीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे यदि इसका मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन आप चेक करें कि पैसा इस फंड ने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, स्मॉल कैप में देख सकते हैं सिर्फ 11% पैसा इन्वेस्टेड है, मिड कैप में सिर्फ 4%, ज्यादातर जो पैसा है दोस्तों वो लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहा है, लगभग 74.14% पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है। SBI फ्लेक्सी कैप फंड को हमने ओपन किया, अब दोस्तों यहाँ भी देख सकते हैं आप लगभग 49.9% जो पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में जा रहा है।
तो फ्लेक्सी कैप फंड की जितने भी फंड्स हैं इसके कैटेगरी में, उसका आप यदि होल्डिंग चेक करेंगे तो उसमें लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होते हुए आपको दिखेगा ब्लू चिप फंड की। ठीक है, अब ब्लू चिप में भी जैसे यदि आप एओएम वाइज चलेंगे तो यहाँ पे आईसीआईसीआई का ब्लू चिप फंड है, एसबीआई ब्लू चिप है, मीरे एसेट ब्लू चिप है, एचडीएफसी का टॉप 100 फंड है। ठीक है, तो यहाँ भी जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप पे देख सकते हैं ज्यादा परसेंटेज इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ, लगभग 81.86% जो पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है। यदि आप यहाँ पे देखें, कोई एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे केनरा रोबैको ब्लू चिप फंड को हम ओपन कर लेते हैं, यदि इसकी भी पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो देख सकते हैं लार्ज कैप में 89.66% है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स फंड की हम बात करते हैं, जैसे निफ्टी 50 की पहले हम बात कर लेते हैं, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को हम ओपन करते हैं, इसमें भी देख सकते हैं लार्ज कैप में 99.93% पैसा इन्वेस्ट किया गया है, विच मीन्स कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है उसमें पूरा पूरा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है। यदि निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी सारे इंडेक्स फंड है, निफ्टी 50 के भी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 के भी है। ठीक है, तो जैसे लेट सपोज कि हमने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी नेक्स्ट 50 को ओपन किया, दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि इसमें 85.75% लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया गया है, मिड कैप में बहुत माइनर सा इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों यदि फ्लेक्सी कैप प्ले या फिर ब्लू चिप फंड की यदि हम बात करें, तो यहाँ ब्लू चिप फंड में आपको रिटर्न जो होते हैं वो ज्यादा देखने को नहीं मिलते, क्योंकि इसमें वॉलिटिलिटी कम होती है, इसलिए रिटर्न भी आपको 13 से लेकर के लगभग 15% के बीच में आपको देखने को मिलता है। फ्लेक्सी कैप फंड की यदि बात करें, तो जैसे पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप आप ले लीजिए या फिर एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप आप ले लीजिए, आपको 16 से लेकर 20% के आसपास रिटर्न्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की यदि बात करें तो इसमें भी आपको रिटर्न्स वही मिलते हैं, लगभग 11 से लेकर के 13-14% के बीच में, निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी वही हाल है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि हम फंड को यदि सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या फिर हमें ब्लू चिप के 3 से 4 फंड रख लेने चाहिए? तो दोस्तों ऐसा करना गलत है। यदि आप एक ही कैटेगरी के यानी कि आप ब्लू चिप या फिर लार्ज कैप कैटेगरी के फंड को आप 3 से 4 फंड रख लेते हैं तो इससे ओवरलैपिंग की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, मतलब कि आप एक ही कंपनी में यदि 4 4 फंड ऐड कर रहे हैं लार्ज कैप कैटेगरी के, तो वो आप क्या कर रहे हैं कि एक ही कंपनी में आप 4 बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उससे आपको विशेष फायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि हम कैसे फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप फ्लेक्सी कैप फंड को ले रहे हैं, ठीक है, तो आप दोनों में से जैसे फ्लेक्सी कैप हो गया और ब्लू चिप हो गया, दोनों में से कोई एक फंड आप पिक करके चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इंडेक्स फंड की यदि हम बात करें, तो इंडेक्स फंड में यदि आप इसमें से कोई फंड लेकर के चल रहे हैं तो फिर इंडेक्स फंड को टच करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यदि आप फ्लेक्सी कैप को नहीं ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप ब्लू चिप फंड को ऐड कर सकते हैं, और ब्लू चिप को जब आप ले रहे हैं तो फिर इंडेक्स फंड को आप मत लीजिए। जैसे काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्टिव फंड को प्रिफरेंस नहीं देते हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्लेक्सी कैप या ब्लू चिप फंड को आप देख रहे हैं तो ये एक्टिव फंड है, इसके एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा होते हैं, तो ऐसे केस में लोग इंडेक्स फंड की तरफ मूव करते हैं। तो इंडिया के टॉप 100 कंपनी को लार्ज कैप कैटेगरी में रखा गया है, तो आप चाहें तो इंडेक्स फंड के निफ्टी 50 को रख सकते हैं और साथ में निफ्टी नेक्स्ट 50 को भी रख सकते हैं। तो ठीक है, तो जब यदि आप इंडेक्स फंड को रख रहे हैं तो फिर इन दोनों फंड को आपको नहीं लेना है, आपको इन दोनों में से कोई एक ही कैटेगरी का फंड सेलेक्ट करके चलना है। तो दोस्तों होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय।